हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखते हैं ब्रदर बटन मशीन BE-438F सीरीज़ का हम लोग बटन सेंटर का प्रोग्राम हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम मशीन ऑन कर लेते हैं। पहले हम टेस्टिंग मोड दबाएंगे और आपको बताएंगे कि पहले इसका किधर होम पोजीशन किधर आ रहा है। तो पहले मैं क्लियरेंस कर लेता हूँ, हल्का सा क्लियरेंस थोड़ा सा डिम है, देखिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड अभी आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड बहुत 8G में जा रहा है रीडल। देखिए कैमरा थोड़ा सा मेरा प्रल है। देखिए फ्रेंड अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए फ्रेंड बहुत 8G से पास होके जा रहा है। अभी देखिए फ्रेंड हम लोग प्रोग्राम कर दें, पहले मशीन को ऑफ कर लेंगे हम और राइट साइड में दो ऊपरी कॉर्नर जैसे पिरामिड बना है उसको दबा के हम लोग मशीन को ऑन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड आ गया है। और देखिए फ्रेंड अभी हम लोग एक स्केल वाई स्केल को हम लोग अभी हम लोग पहले पेडल को एक बार दबा लीजिएगा। पेडल को दबाना ज़रूरी है फ्रेंड, कोई कोई मेरा भाई नहीं दबाता है तो ये एफ सीरीज में वो सेट नहीं होता है। एक बार आप पेडल दबा लीजिएगा। और अभी देखिए फ्रेंड नीडल डाउन पोजीशन में करके हम लोग एक बार चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड ओहो बहुत साइड में जा रहा है। अभी देखिए फ्रेंड अभी बोर्ड में देखिए फ्रेंड -12 में है। हम लोग इसको प्लस या माइनस करके देखेंगे। पहले मैं प्लस करके देखूंगा क्या हो रहा है। देखिए फ्रेंड थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है। वर्क लैंप एकदम सेंटर पे आप रख के इसको एंटर बटन दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड अभी हमारा ये एक्यूरेट सेंटर पोजीशन में है एक स्केल का। एक बार आप पेडल दबा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड एक बार पेडल दबा लीजिएगा। एक बार दबा लिया हमने तो अभी हम उसको एंटर कर देंगे। देखिए फ्रेंड अभी हम इसको 00 पे रख के एंटर कर लेंगे। उसके बाद वाई स्केल का हम देखेंगे। एक स्केल हो गया, अभी ये वाई स्केल है। देखिए फ्रेंड मैं आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अकेले में ये शूट कर रहा हूँ इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप एंड तक देखिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये -8 था, हम इसको थोड़ा सा कम करके देखेंगे कहाँ पे आके ये रुकता है, उस जगह में हम लोग इसको सेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड अभी सेटिंग हो रहा है। देखिए फ्रेंड हम अभी 4 नंबर पे रख के हम एंटर बटन दबा देंगे। एक बार पेडल दबा के एंटर बटन दबा देंगे, बाद में टेस्ट को दबा देंगे और उसके बाद हम एक बार फिर से टेस्ट करेंगे या रनिंग करके देखेंगे। टेस्ट करेंगे फिर से एक बार देख लीजिए फ्रेंड। अभी मैं लाइट ऑन किया हूँ, लाइट ऑन करने पर बराबर नहीं दिख रहा है, रुकिए थोड़ा सा मैं पास जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड बटन सही तरीके से। देखिए फ्रेंड अभी देखो पहले लेफ्ट साइड में टच हो रहा था। देखिए फ्रेंड लेफ्ट साइड में टच हो रहा था, अभी थोड़ा सा हल्का सा हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे बटन को। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड। बहुत मुश्किल से मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाता हूँ, आप
शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ये देखिए फ्रेंड, एक्यूरेट जा रहा है, फिर थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो हम लोग प्लस माइनस कर लेंगे फिर से भी। पीछे में थोड़ा सा ये हो रहा है। अभी देखिए फ्रेंड, मैं डिस्प्ले भी ब्लर ले रहा है। अभी देखिए फ्रेंड, फिर टेस्ट को दबा लेंगे हम लोग। ये स्मॉल बटन और बिग बटन के लिए थोड़ा सा एज में हमको रखना चाहिए फ्रेंड, नहीं तो स्मॉल बटन बड़ा बटन नहीं मरेगा। इसका टीचिंग देखने के लिए आप पार्ट टू में देखिए, पार्ट टू बना रहा हूँ। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, बाय।